दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 24 के बाद मिलेगी ठंड से थोड़ी राहत। दोस्तों, झारखंड में क्रिसमस से पहले लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली सर्द हवाओं के बहाव में थोड़ी कमी आएगी। इससे अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। उत्तर भारत में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से 24 दिसंबर तक राज्य में ठंड में कमी होने से शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के और मजबूत होने की स्थिति में 27 दिसंबर को राज्य के विभिन्न भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 28 दिसंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, JSSC ने निकाली इन पदों पर बम्पर वैकेंसी। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के पद के लिए 956 खाली पदों के विरुद्ध विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन के अनुसार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384, कनीय सचिवालय सहायक के 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और समकक्ष रखी गई है। साथ ही अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम राज्य के विद्यालयों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य बनाया गया है। देश भर में ओमिक्रॉन के मिले कुल 250 से अधिक मामले। दोस्तों, वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 12 और केरल में 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के नए मामले बढ़कर 250 से अधिक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन अब 16 राज्यों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन का उत्तराखंड में भी एक मरीज मिला है। ओमिक्रॉन का सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जबकि दिल्ली में उसके कुल 64 मामले हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन के 104 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड से होकर चलने वाली 14 ट्रेनें 1 जनवरी तक रद्द। दोस्तों, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर ट्रेन से अपने घर आने की योजना बनाने वाले भारतीय रेल ने जोर का झटका दिया है। इंडियन रेलवे ने 14 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक नहीं चलेंगी। मुंबई हावड़ा रूट पर चलने वाली ये एक्सप्रेस ट्रेनें झारखंड से होकर गुजरती हैं। इन ट्रेनों से रोज़ाना हजारों की संख्या में लोग विभिन्न शहरों की यात्रा करते हैं। रेलवे के फैसले से 9 दिनों तक यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि हावड़ा और मुंबई के बीच कई स्टेशन आते हैं जहां की यात्रा इन ट्रेनों के जरिए की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका की संदिग्ध मौत की सरकार उच्च स्तरीय कराएगी जाँच। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को राज्य की राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की संदिग्ध मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने के बुधवार को निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर धनबाद के विधायक राज सिन्हा के साथ लायक के पिता पार्था प्रीतम लायक और माता वीना शर्मा लायक ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बंगाल पुलिस अपनी जांच में उसकी मौत को स्वाभाविक बता रही है, जबकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने निशानेबाज के माता पिता को आश्वासन दिया है कि कोनिका की संदिग्ध मौत मामले की सरकार अपने स्तर पर
जांच कराएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ ने मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य के विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, विगत नवंबर माह माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के साथ श्री अजीम प्रेम जी की ऑनलाइन बैठक के पश्चात आज अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सीईओ श्री अनुराग बिहार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को लेकर सार्थक चर्चा हुई। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में कोरोना के मिले 51 नए मरीज। दोस्तों, झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगी है। अकेले झारखंड की राजधानी रांची में 25 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 58 दिन के बाद इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में कोरोना के मामले मिले हैं। अब रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या 92 पहुंच गई है, वहीं झारखंड में यह संख्या 200 हो गई है। बता दें कि कोडरमा में लगातार तीसरे दिन 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां सोमवार और मंगलवार को भी 12-12 संक्रमित मरीज मिले थे। इनमें सदर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले 24 अक्टूबर को रांची में एक साथ 25 संक्रमित मरीज मिले थे। दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना काल से सबक लेकर CBSE ने बदला एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, CBSE ने कोरोना महामारी के चलते परीक्षाओं के पैटर्न में वर्ष 2022 में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे छात्रों के हितों की रक्षा हो सके और उनके साल की पढ़ाई बिल्कुल भी व्यर्थ न जाए। सत्र 2020-21 के लिए 10वीं और 11वीं परीक्षा के, जी हां, 11वीं कक्षा के अंक और 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट के तहत 2020 के रिजल्ट की घोषणा की गई। इसी तरीके से मई 2021 में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के डेट शीट तैयार करते हुए तिथियों को जारी किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बोर्ड परीक्षाओं को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थगित करना पड़ा। इसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। दोस्तों, बड़ी खबर है, RBI ने बढ़ाई कार्ड टोकनाइजेशन नियमों को लागू करने की समय सीमा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कार्ड ट्रांजेक्शन से टोकनाइजेशन नियमों को लागू करने की डेडलाइन 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है। RBI ने गुरुवार 23 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। RBI ने अपने सर्कुलर में सभी पेमेंट ऑपरेटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा, COF डेटा को स्टोर करने की समय सीमा को अगले 6 महीने यानी 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इन डेटा को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। बता दें कि पेमेंट कंपनियां अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की बहुत सी जानकारियों को अपने पास स्टोर करके रखती हैं, ताकि अगले बार आपको पेमेंट करते समय इन डेटा को दोबारा न डालना पड़े। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 7495 नए मामले। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 7495 नए मामले मिले हैं, जबकि 6960 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 434 लोगों की कोरोना वायरस से मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 478,759 हो गई। अब देश में कोरोना वायरस के 78,291 मरीज हैं, जिनका हॉस्पिटल या फिर होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना पर PM की हाई लेवल मीटिंग में वैक्सीनेशन और तेज करने के निर्देश। देश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को
अफसरों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अफसर मौजूद थे। मीटिंग में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हॉस्पिटलों की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। बता दें कि लगभग 7 बजे शुरू हुई यह मीटिंग 1 घंटे चली। इसमें प्रधानमंत्री ने अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक को बेहतर करने के निर्देश दिए, साथ ही देशभर में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर भी तेजी से काम करने को कहा।